हे गाइस, मेरा नाम है पारस धीमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्यूचरिज्म। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम मल्टीपल हाइपरलिंक्स को एक ही टैब में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली ये सबके लिए डिफिकल्ट होता है, बार बार अलग अलग लिंक पर जाकर उसको डाउनलोड करना। सो मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कैसे हम एक ही क्लिक या टैप में मल्टीपल फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो। इस टाइम मैं यहाँ पर गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ। तो अपने ब्राउजर को ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है बैच लिंक डाउनलोड। ये लिखने के बाद आपको करना है प्रेस एंटर। इसके बाद जो सा पहला लिंक होगा आपको उस पर क्लिक करना है, जो गूगल क्रोम की तरफ से ऑफिशियल है। एक्चुअली एक एक्सटेंशन है जो आपको अपने क्रोम में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इट इज लेस देन 1 MB। यहाँ पर मेरे को ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, बिकॉज ये मेरे पहले ही ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड टू क्रोम। गाइज, अगर आप अपने एक्सटेंशन की सेटिंग्स को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने एक्सटेंशन आइकन पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाकर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है मैनेज एक्सटेंशंस पे। मैनेज एक्सटेंशंस पे जाके आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो आपके एक्सटेंशन की डिस्क्रिप्शन, उसका वर्जन और उसका साइज, और यहाँ पर बहुत सारे एडवांस ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने एक्सटेंशन के लिए। और अगर आपको अपने URL का भी एक्सेस देना है एक्सटेंशन को, तो आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो उसके गाइज, उसके बाद गाइज आपको जाना है उस वेबसाइट पर जहाँ से आपको फाइल्स डाउनलोड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिए एक साइट वर्कशीट बड़ी। तो गाइज, उस साइट पर जाने के बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल हाइपर लिंक्स हैं और ये सब मेरे को बार बार वन बाय वन डाउनलोड करने पड़ेंगे। जैसे आप देखते हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा डाउनलोड होगा स्टार्ट। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करूँगा, जो से मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्या होता है, कई बार ये प्रॉपरली लोड नहीं होता, तो क्या करना है, मैं सिंपली पेज को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करके ये दोबारा पेज को रीलोड करेगा और दोबारा मेरे को यहाँ पे जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी लिंक्स आ चुके हैं। आपको एक बात का गाइस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी पर्टिकुलरली वही सिलेक्ट करना है जिसको आपको डाउनलोड करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्किप टू कंटेंट, वर्कशीट बडी, होम, सारी फाइल्स शो हो चुकी है। जैसा कि मेरे को अब ये वाली शीट डाउनलोड करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक, तो मैं क्या देखूंगा, इसका कंटेंट देखूंगा, वर्कशीट फॉर क्लास 3 मैथमेटिक्स, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी लिंक के साथ ही साथ। तो मेरा कंटेंट स्टार्ट है वर्कशीट फॉर क्लास 3 से, इट मीन्स मेरा यहाँ UCC से स्टार्ट है। इसको सिलेक्ट करूंगा। अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लेफ्ट की को प्रेस कीजिए और डाउन डाउन एरो दबाइए, आप मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सभी फाइल्स को नहीं डाउनलोड करूँगा, यहाँ पे प्लस मैं आपको 2-3 फाइल्स ही डाउनलोड करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने 4-5 फाइल्स डाउनलोड की, सेलेक्ट की, उसके बाद इसको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट डाउन। जैसे ही मैं स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप गाइज, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सा लिंक आप यूज़ कर रहे हो वो आपको डायरेक्ट फाइल तक ही लेके जाए। ये ना कि वो लिंक किसी और लिंक को डायरेक्ट करे या किसी और साइट को रीडायरेक्ट करे। अगर आप ऐसे लिंक का यूज़ करोगे तो वो आपको HTML पेज को डाउनलोड करके दे देगा, ना कि फाइल को। सो इस बात का ध्यान रखना। सो गाइज, इतना ईजी है मल्टीपल फाइल्स को डाउनलोड करना। ऐसे आप मल्टीपल फाइल्स, जैसे कि यहाँ पे तो PDF है, आप MP3, MP4 फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय, हास्ता ला वीस्ता।